Good morning, students. I am your science teacher. Today I am going to explain you chapter 6, physical and chemical changes. Before explaining the two physical and chemical changes, I want to explain you something about this non-living world. आपको पता है ये जितनी भी non-living चीजें हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैं बता रही हूँ. ये सारी non-living चीजें मैटर कहलाती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बनी हुई है. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन एटम से बने हैं. इस चैप्टर में हमें पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि ये जितना भी नॉन लिविंग वर्ल्ड है, वुड, आपके बेंचेस, आपके ब्लैकबोर्ड, ये सारे के सारे कंपाउंड या जितने भी मैटर हैं जो कि स्पेस कवर करते हैं, ये सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बनते हैं. इस चैप्टर के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं. इसके अलावा हम मेनली कंपाउंड्स का यूज अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा ये सारे कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री में इन्हें हम केमिकल्स कहते हैं. तो इन केमिकल्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इन सिंबल्स के द्वारा, डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा, जब दो या दो से ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो केमिकल्स के डिफरेंट फॉर्मूले जनरेट होते हैं. वो फॉर्मूले भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये फॉर्मूले यानी कि ये कंपाउंड जब आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो नए डिफरेंट कंपाउंड या मिक्सचर बनाते हैं. तो इन केमिकल्स के साथ कंबाइनिंग को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जब इन केमिकल रिएक्शंस को इनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या बनती है, केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, या इन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर में. इसके अलावा फिर आएगा हमारा मेन टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अराउंड अस. नाउ फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. एलिमेंट, an element is a substance that cannot split into simpler substances, that is, this element are formed of one atom molecule or a group of same type of atoms. याद रखिएगा, या तो सिंगल जैसे कि हाइड्रोजन, या तो सेम काइंड ऑफ एटम सिंबल के बनने वाले कंपोनेंट्स को हम एलिमेंट कहते हैं, लाइक टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन, नाइट्रोजन is also singly exist, sulfur is an element, like carbon is an element. There are few elements which we can see and heard the names in the chemistry. Now it's time to understand about the mixture. What are mixtures? More than one element, yani ek se zyada element, jab किसी भी प्रोपोर्शन में यानी कि किसी भी क्वांटिटी में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं. हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारे मिक्सचर्स के साथ हेल्प कर लेते हैं या हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, ये ब्रास मेटल एक अलॉय है जिसमें कई सारे मेटल्स एडेड हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द कंपाउंड्स. व्हाट आर कंपाउंड्स? अ कंपाउंड is a substance formed when two or more elements combine chemically in a fixed proportion. यानि कि जब दो या दो से ज्यादा element chemical reaction के through एक definite proportion यानि बराबर मात्रा में mix होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, compound. हमारी डे टू डे लाइफ में हम कई सारे compounds को daily use करते हैं. इनमें से सबसे main compound है water, कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं
जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सबसे मेजर रोल प्ले करता है वाटर. इट इज डिनोटेड एज H2O. सेकंड कॉमन सॉल्ट इन केमिस्ट्री इट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर मेजर कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द प्लांट. सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, CuSO4. You know that all these elements and compound formed of atoms. Let me explain you now. Atoms, the smallest particle of an element that retain the properties of element is called atom. जैसे कि atoms वो smallest particle होते हैं जो combine होकर के elements को बनाते हैं. All the atom of oxygen are identical. यानि कि एक ही तरीके के components को बनाने के लिए एक तरीके का atom होना जरूरी है. सिंगल कार्बन एटम्स व्हेन कंबाइंड इन अ नंबर्स दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स द सिंगल एटम एग्जिस्ट. ईच ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम. अगर एक एलिमेंट की बात करें तो वो एक तरीके के एटम से बनता है. और जब एक ही तरीके के दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. दैट मीन्स अ मॉलिक्यूल is the smallest part of the element or compound that can exist by itself. यानि atom अगर singly exist नहीं करता है, लेकिन molecule singly exist करता है. Molecule अगर combine होता है, तो ये depend करता है कि atom की atomicity कितनी है. यानि कि atom अपने साथ कितने components को, कितने atoms को और जोड़ सकता है. Like पिक्चर्स में शो हो रहा है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ड्यूअल यानी डायटोमिक शो होते हैं या डायटोमिक एग्जिस्ट करते हैं. कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल हैं. एलिमेंट्स आर नॉट इजली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, वाइल कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल इक्वेशंस ऑल्सो, केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो. कंपाउंड हैज अ प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट. भले उसी एलिमेंट से बने हों, लेकिन उन एलिमेंट से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं. कंपाउंड्स में जो जिन भी कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है या जिन भी एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है. हमारी डे टू डे लाइफ में हम कई सारे कंपाउंड्स का यूज देखते हैं. Now understand it very well through this video. This is the component. Air is also a compound which formed of different gases in a fixed proportion. These are the tables which shows the element till now discovered. There are 118 elements in the earth. Scientists known them. 118 एलिमेंट हैं अब तक जिनके कॉम्बिनेशन से कई सारे कंपाउंड्स मिक्सचर्स फॉर्म्ड हुए हैं, नेचुरली भी और ह्यूमन सोर्सेस से भी. ये सारे ही एलिमेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करते हैं. इनमें से कुछ एलिमेंट सिंगली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि कंपाउंड बनाते हैं. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, आप देख रहे होंगे इन सभी के नाम के आगे कुछ सिंबल्स, यानी ऑक्सीजन में O, हाइड्रोजन में H, फॉस्फोरस में P, कार्बन में C रिप्रेजेंट हो रहा है. आपको पता है ये इनके नेमिंग कल्चर के लिए सिंबल्स हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट को नाम देना और बड़े नाम से पुकारना या बड़े नाम से रिप्रेजेंट करना इज नॉट ईजी. सो साइंटिस्ट ने इन्हें इन सिंबल्स के थ्रू यानी कार्बन का सी, कैल्शियम का सी ए, हीलियम का एच ई करके इन्हें रिप्रेजेंट किया है. इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल सिंबल्स कहते हैं. अ केमिकल सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट के नेम से ही रिप्रेजेंट करने वाले नाम हम केमिकल सिंबल्स में रखते हैं. कई सारे एलिमेंट्स के नाम उनके अदर लैंग्वेजेस से यानी लैटिन लैंग्वेजेस से रिप्राइव हैं. जैसे कॉपर रिप्रेजेंटेड Cu, कुप्रम. गोल्ड रिप्रेजेंट बाय Au, ऑरम. सिल्वर रिप्रेजेंट अर्जेंटम Ag. एंड पोटेशियम, कैलियम, आयरन, फेरम, Fe.
ऑल मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग दिस काइंड ऑफ लैटिन नेम अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू द साइंस नेम ऑफ साइंटिस्ट दिस वे दे रिप्रेजेंट द नेम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड. एटॉमिसिटी दैट मीन्स हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. As you know that water has a symbol H2O, that means water में दो hydrogen component और एक oxygen atom add होता है, then it forms a compound called water. This chemical formula of water with the symbols followed by the number of atom of that element present in the molecule. As in water, the valency or the combining power of hydrogen is 1, but the valency of oxygen, that is the combining power of oxygen, is 2. They fulfill by the two hydrogen atoms and one oxygen atom. This way, they form the compound called water, having the symbol H2O, because it represent two hydrogen एंड वन ऑक्सीजन. अब आप इसे एटम्स के फिगर्स में समझेंगे. ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 हाइड्रोजन लेने की है और हाइड्रोजन की सिंगल, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे तो इसमें एटम कितने हुए, 3. तो वाटर कंपाउंड की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3. स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कई सारे आपको टेबल्स दूंगी जिससे आपको डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी, वैलेंसी या कुछ कॉमन कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा. सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे एक एसिड दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन 2, 1 सल्फर, 2+1, 3 एंड 4 ऑक्सीजन है. दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 7. दिस वे एटॉमिसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट कंपाउंड्स. हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये नोबल गैसेस हैं जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, ये किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं. वहीं ऑक्सीजन 2 कंपोनेंट्स, 2 एटम्स के साथ मिलते हैं तो एटॉमिसिटी 2 भी हो सकती है, जिसे हम डायटॉमिक कहते हैं. और ओजोन जैसी गैस के लिए ऑक्सीजन 3 एटम्स के साथ कंबाइन होती है, यानी ओजोन की एटॉमिसिटी हो गई 3. इस तरीके से और भी कई सारे कंपाउंड्स, कई सारे एलिमेंट्स की आप स्टडी करेंगे, लाइक क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2, हीलियम 1, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, फास्फोरस 4, और डिफरेंट तरीके की एटॉमिसिटी आप इन एलिमेंट्स की पढ़ेंगे. और वहीं कंपाउंड्स की एटॉमिसिटी देखी जाए तो वाटर की अभी एटॉमिसिटी हम लोगों ने देखी जिसमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स थे. नाउ हाउ अबाउट द वैलेंसी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. लाइक ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने हाइड्रोजन को अपने साथ ले सकता है, 2, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2. वहीं फास्फोरस अपने साथ 3 कंपोनेंट्स को ले सकता है, तो PH3 कंपाउंड, फास्फोरस की PH3 कंपाउंड में वैलेंसी 3 होगी, यानी कि 3 होगी. इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलाज या अलग अलग कंपाउंड की वैलेंसी भी डिफरेंट होती है. लाइक हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, नाइट्रेट यानी NO3 की वैलेंसी 1, बायकार्बोनेट दैट मीन्स HCO3 1. तो इस तरीके से PH3 कंपाउंड में फास्फोरस यानी P की वैलेंसी ही 3. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, वर्सेटाइल एलिमेंट है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है. इसे हम टेट्रावेलेंट एलिमेंट भी कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाता है. कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है क्योंकि ये अपने साथ 4 कंपोनेंट्स को ऐड कर सकता है, जैसे कि मीथेन CH4. ऊपर देखिए फिगर में लिखा हुआ है CH4. इस तरीके से कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है. वहीं इस कंपोनेंट में कार्बन 2 कार्बन्स हैं और ऑक्सीजन 4 है. दैट में होने कितने चाहिए कि 2, 4 जा 8, बट यहाँ 4 ही है. दैट मीन्स कार्बन अपने साथ अपनी इंटरलिंकिंग यानी इंटरबॉन्डिंग भी करता है. ये फर्दर आप इस चीज को डिटेल में अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे.
कार्बन अपने साथ जब दो ऑक्सीजन को कैरी करता है तब उसकी फोर वैलेंसी कंप्लीट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी टू होती है। इस तरीके से वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल करके क्या कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑल्सो फॉर्म बाय कार्बोनेट कंपाउंड्स, दिस इज कॉल्ड H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड कंपोनेंट, जहाँ पर CO3 यानी कार्बोनेट की वैलेंसी टू है और अपने साथ वो दो हाइड्रोजन यानी टू हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। इस तरीके से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। ये भी एक कंपाउंड है जो हमारी लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में, या मेनली वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ में रोल प्ले करता है, जो कि इसी तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिक्स होती है और वो इसी तरीके से उसे लिबरेट करके लेते हैं। सो स्टूडेंट, लेट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। लाइक हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो एटॉमिसिटी कितनी हुई, थ्री। कार्बन, कैल्शियम, कैल्शियम सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, तो इसकी एटॉमिसिटी हुई वन। इस तरीके से एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इट ऑल्सो डिफाइंड एज हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स एडेड विद द अदर एटम्स इज डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटी। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। लाइक इट ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ विच वन एटम ऑफ द एलिमेंट वुड बी कंबाइंड। लाइक आप नीचे एक कंपाउंड देख रहे हैं, मीथेन, CH4, इट्स कॉल्ड मीथेन। स्टूडेंट, दिस इज द टेबल फॉर एक्सप्लेनिंग यू द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स एंड वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट सिंबल्स। दिस आर द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर लर्निंग ऑल्सो। स्टूडेंट्स, कीप नोटिस एंड लर्न दीज टेबल्स, इट वॉज हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। इट इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ एटम्स दैट वी यूज इन अ कॉमन लाइफ। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल इंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न वेल, स्टडी वेल, स्टे एट योर होम। फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।